वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक टीम्स। तो बंडसलीगा लीग का मैच हो रहा है फ्रीबर्ग वर्सेस बीओसी के बीच 2 घंटे 58 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, फ्रीबर्ग और बीओसी में फ्रीबर्ग टीम यहाँ पर जीतेगी, ठीक है। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे आज ओपन टीम का शेड्यूल नहीं आया। दोस्तों, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं अभी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, असल बात ये है। लेकिन मैच एनालाइज है, मैं आपको देखता हूँ कौन सी टीम ओपन देनी है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, और कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम दो भाइयों। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर की, यहाँ पर है मैनुअल रिमन। मैनुअल रिमन इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, यहाँ पर मैनुअल रिमन को ज़रूर लेना, क्योंकि देखो बीओसी का एक गोलकीपर खेलेगा। देखो, हर टीम का एक ही गोलकीपर खेलता है, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। जिसमें से हमने वही लेना है, हम जो भी बीओसी का एनी गोलकीपर जो भी खेलेगा, वी हैव टू टेक दैट। आगे से अगर बात करें गिंटर की, देन यहाँ पर है मैथियस गिंटर। मैथियस गिंटर ने प्रीवियस मैच के अंदर विदाउट क्लीन शीट असिस्ट किया था डीओआर के खिलाफ, जबकि डीओआर के खिलाफ सबसे मुश्किल होता है गोल करना, एंड इनकी प्रॉपर टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके गई थी इनकी टीम, तो इसलिए मैं गिंटर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि हाँ भाई बहुत बढ़िया खेला था। एंड लिनहार्ट की बात करें तो लिनहार्ट भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीओआर के खिलाफ नहीं लिया तो आज भी मतलब भाई, हर किसी का पल्ला कभी ना कभी भारी जरूर होता है। पहले उनका पल्ला भारी था, जिनका पल्ला इन पे भारी है, सीधी बात है ना। आगे से बात करें सी गंटर की, देन यहां पर है क्रिश्चियन गंटर। क्रिश्चियन गंटर को यहां पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूं। पिछले मैच में डीओआर के खिलाफ क्या गोल की ट्राई की थी इस बंदे ने, एक बार तो ऐसा लगा था कि गोल हो ही गया, बट इट्स रिस्की रहता है। और आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है कीलियन। तो यहाँ पर कीलियन को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। कीलियन करेगा फोर्थ डिफेंडिंग। आप ये मत समझना कि 5% सिलेक्टेड है तो छोड़ दो या इसकी जगह मिडफील्डर ले लो, देखो लेने को कुछ नहीं है। अगर आप अभी मिडफील्डिंग में आओगे आपको अनेक ऑप्शन मिलेंगे, आपका मन करेगा मैं हॉल्फर को भी ले लूँ, अगर एस्टीन को ले लूँ, लेकिन भाई वी हैव टू कंट्रोल आवर हार्ट। सीधी बात है, क्योंकि आप दिल तो कहेगा ले लो सबको, लेकिन दिमाग से चलो। एंड सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर है रोलैंड सलाई। ये रोलैंड सलाई पेनल्टी टेकर है, पहली बात तो ये, अगर मान लो फ्रीबर्ग की पेनल्टी आती है तो यही लेगा। और इस बंदे ने ना काफ़ी टीमों को कच्चा चबाया, मेरा कहने का मतलब है वो खुले में गोल करता है। मतलब एक होता ना कि थोड़ा दबाव में रहना, दबाव है ही नहीं इसके अंदर, किसी भी बड़ी टीम को गोल लगा दे। आज ये बंदा स्ट्राइकर बन जाए ना, आज ये बंदा किसी बड़ी टीम में चला जाए, मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी लिवरपूल, ये दिखाएगा कि गेम किसको कहते हैं, ठीक है। अभी इसको कई लोग नहीं जानते, तभी इसकी सिलेक्शन 61% है, अब तक तो 90 क्रॉस आज हो जानी चाहिए थी। एंड आगे से अगर बात करें ग्रिफो की, हाँ ग्रिफो ने इस सीज़न का पहला गोल भी कर दिया, सो मैं ग्रिफो की रिस्पेक्ट के तौर पे इसे ले रहा हूँ, क्योंकि असिस्ट भी अच्छी करता है। और गोरेलस्की को यहाँ पर ले रहा हूँ। टीएसएनओ ने टीम बदल के ज्वाइन की बीओसी, तो पर मैं अपन लोग गोरेलस्की के साथ खुश हैं। एंड लॉसिला की बात करें तो एंथनी लॉसिला को तो आप जानते ही हैं, पता ही है आपको कि लॉसिला क्या है, और आई थिंक जानते होंगे, और नहीं जानते तो आपको बता दूँ असिस्ट करने में बढ़िया है। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है माइकल ग्रेगोरस्टिच इज़ अ नॉर्मल प्लेयर। ग्रेगोरस्टिच के साथ मैं अपनी टीम में इसको ले रहा हूँ। ग्रेगोरस्टिच अच्छा खेलता है, पिछले मैच में भी बढ़िया खेला था, एंड इसके गोल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था बड़ी बड़ी टीम्स पे, क्योंकि जितने मेरे ओपोनेंट थे उनको लग रहा था डीओआर जीतेगी, लेकिन मेरी टीम में ये प्लेयर था और मैं जीता। और जोलर की बात करें, सीमन जोलर बीओसी का सबसे ज़्यादा गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी। अभी हम रिस्टू डॉन को नहीं ले रहे, ना हम हॉलर को ले रहे हैं। अगर मैं लूँगा तो हद से हॉलर लूँगा, डॉन में नहीं लेने वाला। आगे से बात करें कैप्टन की, मेरा कैप्टन है ग्रेगोरस्टिच, वाइस कैप्टन है रोलैंड सलाई। 2 मिनट रुक जाओ, हाँ ये देख लो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।